Hey guys, welcome back to this channel and I'm Khushbu with you people. तो इस टाइम मैं खड़ी हूँ अन्नाए रिजॉर्ट एंड स्पा कन्याकुमारी. तो यस, ये है कन्याकुमारी में एक बहुत ही बेहतरीन रिजॉर्ट जहाँ पर मेरा 2 दिन का स्टे है. तो इस रिजॉर्ट को हम पूरा रिव्यू करने वाले हैं कि ये रिजॉर्ट कैसा है, यहाँ की सर्विसेज कैसी हैं, स्टाफ कैसा है, रूम्स कैसे हैं, बालकनी से व्यू कैसा है, रेस्टोरेंट में ब्रेकफास्ट कैसा है, डिनर कैसा है, स्विमिंग पूल कैसे हैं, एवरीथिंग. एंड क्या यहाँ से सी व्यू है या नहीं, और अगर सी व्यू है भी तो क्या वो इतना क्लियर दिखता है या नहीं. एंड इस पर जितने भी रिव्यूज़ होने वाले हैं वो बिल्कुल जेन्युइन होने वाले, क्योंकि डिस्क्लेमर ये है कि ये कोई भी पेड वीडियो नहीं है. तो चलो इस पूरे रिजॉर्ट को रिव्यू करते हैं एंड कम विद मी. हम लोगों ने जस्ट अभी अन्नाए रिजॉर्ट एंड स्पा में एंट्री ली है. बस अभी चेक इन की फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करेंगे. लेकिन सबसे बेस्ट चीज़ जो यहाँ हुई वो था हम लोगों का स्वागत. सो वी वर सर्व विद अ फ्रेश वाटरमेलन ड्रिंक और ये हमें एक बहुत ही अच्छी सी माला दी है कन्याकुमारी की. रिजॉर्ट में रूम मिल चुका है तो चलो सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ के रूम्स कैसे हैं. इट्स माय रूम, ऑलरेडी मैंने ओपन किया है. सो ये है हमारा रूम. चलो सबसे पहले देखते हैं कि हमारे रूम से व्यू क्या है. वाह, सी द बीच देयर, वी हैव अ यस इट इज देयर, दिस इज द रूम. मम्मी कैसा लगा होटल? बहुत अच्छा लगा. बहुत अच्छा है. चलो एक बार होटल का टूर देते हैं. ये है काइंड ऑफ मिरर, देन ये मिली है हमें पूरी एक कबर्ड, वी हैव फ्रिज, ये हमने ऑलरेडी अपना सामान सेट कर दिया है. सी कि बाथरूम कैसा है. ओके, थोड़ा सा जूम करके दिस. We have everything in place as usual and tour तो मैंने आप लोगों को दे दिया. अब मैं आपको छोटा सा एक बालकनी व्यू देने जा रही हूँ. अभी मैंने भी नहीं देखा है, मैं भी फर्स्ट टाइम ही जा रही हूँ. दीदी और मम्मी देख कर आए हैं, चलो देख कर आते हैं. ये मेरे पीछे बालकनी, ये है रूम. बताऊं कि मेरा रूम कौन सा है, तो जस्ट जो फर्स्ट फ्लोर पे आपको बालकनी दिख रही है वही है मेरा रूम. है कंप्लीट वॉकवे जो कि रात में बहुत सुंदर लग रहा है. और रात में इस रिजॉर्ट की लाइटिंग्स इतनी प्यारी हैं कि सीरियसली बहुत बहुत ज़्यादा खूबसूरत है. दोपहर में मैं आपको कल दिखाती हूँ. तो दीदी को अपना कुछ मिल गया है. तो यहाँ पर है ये स्विंग, दिस इज एलिफेंट, मेरे दो अनमोल रतन. इस रिजॉर्ट में टोटल 3 स्विमिंग पूल हैं. तो एक मैंने आपको फ्रंट में दिखाया है, द सेकंड वन इज दिस, और थर्ड भी हम एक्सप्लोर करते हैं कि कहाँ है. देखते हैं उस तरफ क्या है. यहाँ पे बहुत सारे स्टेयर केसेस बने हुए हैं. ओके, सो वी हैव अनदर स्विमिंग पूल, दिस इज द होल रिजॉर्ट. ये है काइंड ऑफ टेरेस एरिया, ओपन एरिया. रात में जो ओशन है वो दिख नहीं रहा है, बट यहाँ से कंप्लीट ओशन का व्यू दिखता है. सो वी हैव प्लेट्स, लेट्स स्टार्ट विद सम पाइनएप्पल जूस. अ हार्ट्स बीट टू द सिटी स्ट्रीट्स, वी बिगिन We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light.
स्पेशल रिक्वेस्ट पर ही आया विदाउट अनियन एंड गार्लिक का सांभर। मम्मी अब अच्छे से खाओ ठीक। अच्छा ग्रीन एनवायरनमेंट है यहाँ पे, मतलब बहुत ही अच्छा है। और जब से हम आए इतनी अच्छी हवाएं चल रही हैं, तो वैसे ही इस रिजॉर्ट में अच्छा मजा आ रहा है। तो अगर यहाँ बैठने के लिए छोटी छोटी से हट्स बने हुए हैं, तो चलो अब टाइम है आपको पूरा रिजॉर्ट का एक टूर कराने का। और देखिए टूर हम किस में करने जा रहे हैं, क्योंकि रिजॉर्ट काफी बड़ा है, तो हम धीरे धीरे इसमें हवाओं का मजा लेते हुए पूरे इस रिजॉर्ट का टूर करेंगे। चलो दिखाना शुरू करती हूँ। Our hearts beat to the city streets, we began to feel the fire, we rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. सारे विलास बने हुए हैं एंड उस तरफ जो है नॉर्मल रूम कैटेगरी, डीलक्स, प्रीमियम, जितने भी रूम कैटेगरीज हैं वो। सो ये है पूरा प्ले जोन एरिया, बच्चों के लिए एलिफेंट है, वहाँ पे जंपिंग बॉल्स हैं एंड आपको स्विंग दिख रहा है या नहीं? यस देयर इज स्विंग। और अभी हम लोग जा रहे हैं बैक गेट की तरफ, जहां से हमने स्टार्टिंग की थी, दैट वाज द एंट्रेंस एंड दिस इज टुवर्ड्स द बैक गेट। ये है इस रिजॉर्ट का बैक गेट और बैक गेट के जस्ट सामने है सी, तो बस अब हम आए सी के नजारे देखने। यहाँ पर स्पा फैसिलिटीज कैसी हैं, रेस्टोरेंट तो मैंने आपको दिखाया था, पर अब हम देखने जा रहे हैं यहाँ की स्पा फैसिलिटीज। जो रिजॉर्ट का एनवायरनमेंट है वो बहुत ही अच्छा है और यहाँ हवाएं इतनी अच्छी चल रही हैं, तो एनीवेज पूरे रिजॉर्ट में घूमना अपने आप में एक बहुत अच्छी फीलिंग है। आई मीन द रिजॉर्ट इज काइंड ऑफ वन जहाँ मैं एक्चुअली अपना एक पूरा दिन निकाल सकती हूँ। देखते हैं यहाँ की स्पा फैसिलिटीज। हमने स्पा रूम देखा, पीछे जिम है और पूरे एरिया में ग्रीनरी ही ग्रीनरी। वाओ, अब जाएंगे बैक। अगला
अगर आप यहाँ के रूम्स एंड बालकनी कहीं से भी देखोगे ना तो व्यू ही व्यू नजर आता है। तो हम लोगों ने यहाँ पे एक डिलक्स कैटेगरी का रूम बुक किया था फॉर 3 पीपल। एक्चुअली प्राइजेस आप देख सकते हो, क्योंकि प्राइस डिपेंड्स ऑन द सीजन एंड प्राइस डिपेंड्स अपॉन कि आप कितने लोगों के लिए एंड कौन सा रूम बुक कर रहे हो। तो प्राइस बहुत डायनेमिक फेयर्स होते हैं, इसीलिए यू कैन बुक ऑन एनी वेबसाइट, यानी कि मेक माई ट्रिप अगाड़ो एनी वेयर। अच्छा, एक मैं एडेड एडवांटेज बताती हूँ यहाँ रुकने का, जो मैंने रिव्यूज में भी पढ़ा था कि इस पर्टिकुलर रिजॉर्ट से जितने भी टूरिस्ट अट्रैक्शन प्लेसेस हैं वो सब बहुत ही नियर बाय। फॉर एग्जांपल लेट मी टेल यू, आप मेरे पीछे का एनवायरनमेंट देख रहे हैं, तो अगर हम यहाँ से लेफ्ट साइड जाएंगे राइट, तो यहाँ से पड़ता है सनसेट पॉइंट विच इज़ हार्डली 2.5 किलोमीटर्स अराउंड। एंड अगर हम यहाँ से राइट की तरफ जाएंगे तो हमारा पड़ेगा सनराइज पॉइंट, टेम्पल, बीच एंड विवेकानंद रॉक मेमोरियल। तो यहाँ से हर चीज एकदम पास में है। हवा, ओ माय गॉड। बट हाँ, जैसे अगर आप अपनी गाड़ी नहीं लेके आ रहे हो तो ऑटो एकदम झट से मिलते हैं यहाँ से, तो मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। 2 दिन में हम लोगों ने इतनी ऑटो सवारी की है यहाँ पे कि मजा आ गया। यहाँ पे डिलक्स रूम से हमें कंप्लीट ओशन का व्यू मिलता है, एंड सबसे बेस्ट चीज ये है कि इन्होंने ना बालकनीज भी दी हुई है यहाँ पे। मतलब दीज आर दी कॉमन बालकनीज जहाँ पर मतलब यू कैन जस्ट कम एंड सी द कम्प्लीट ओशन व्यू ऑफ दी यू नो कन्याकुमारी, और बहुत पीसफुल है, बहुत ही सुंदर है। इनफैक्ट आपको पूरा वो त्रिवेणी संगम वाली फीलिंग आएगी, क्योंकि आप पूरा त्रिवेणी संगम यहाँ से देख सकते हो, जहाँ पे यू कैन सी द डिफरेंट कलर्स ऑफ द सी, लाइक अरेबियन सी, द इंडियन ओशन एंड द वे ऑफ बंगाल। उसके बाद तो मुझे आपको क्या ही बताना कि ब्रेकफास्ट जो है उसका मुझे टेस्ट काफी अच्छा लगा। सो यस, ब्रेकफास्ट के लिए थम्स अप। एंड द बेस्टेस्ट थिंग इज कि यहाँ बहुत पीसफुल वाइब्स हैं। तो जैसा आप एक अच्छा रिजॉर्ट बुक करते हैं उसके बाद यू थिंक कि अगर हम इतना अच्छा रिजॉर्ट बुक कर रहे हैं तो कैसी वाइब्स होंगी, येस डेफिनेटली इट इज वन ऑफ द बेस्ट रिजॉर्ट। बस एक रिकमेंडेशन है कि अगर आप कन्याकुमारी में आ ही रहे हो तो एटलीस्ट थोड़ा सा टाइम लेके आओ, क्योंकि इस रिजॉर्ट को भी घूमना है। अगर आप एक दिन में इस रिजॉर्ट को भी घूमना चाहोगे और पूरा कन्याकुमारी, तो आई डोंट थिंक ये वो पॉसिबल है, क्योंकि 3 यहाँ पर स्विमिंग पूल है, 1 टेरेस है, वहां तक चल के जाना वो शायद यहाँ से वहां तक ना पास में दिख रहा है, बट वो है नहीं, बहुत चलना है। बस दिस वॉज दी ओवरऑल रिव्यू ऑफ दी होटल। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पर्टिकुलरली इस रिजॉर्ट की पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। जिन लोगों को भी कन्याकुमारी आना है, चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एज वेल, और कमेंट करके बताओ कि आप लोगों को कैसा लगा। तो ओवरऑल इट वॉज गुड। सी यू सून इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो। अभी मैं कन्याकुमारी में हूँ, मुझे निकलना है कोवलम, तो आई एम गेटिंग रेडी एंड फैमिली भी तैयार हो रही है। सी यू सून, बाय बाय पीपल।